तो गाइस बात करते हैं हमें डेली YouTube पर कितने वीडियो अपलोड करने चाहिए या फिर टोटल आगे कितने वीडियो अपलोड करने के बाद YouTube जो है हमारा चैनल को आगे ग्रो करेगा, आगे और भी ज़्यादा रिकमेंड करेगा। तो सब कुछ जानेंगे गाइस इस एक वीडियो में, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और वीडियो पसंद है तो गाइस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। उससे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। तो बात करते हैं गाइस हमें दिन में कितने वीडियो डालने चाहिए। तो गाइस ये डिपेंड करता है आपके चैनल की कैटेगरी पे, ठीक है। यानी कि मान लो आपका चैनल है न्यू चैनल, ठीक है, न्यू चैनल की कैटेगरी आपकी। तो यहाँ पर गाइस आप डेली हर 10 मिनट में भी एक वीडियो डालोगे ना तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपकी जो कैटेगरी गाइस वो न्यूज़ वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस YouTube का जो अल्गोरिदम है वो कुछ अलग तरीके से काम करता है, आपकी कैटेगरी वाइज उसका जो अल्गोरिदम है गाइस वो काम करता है, वर्क करता है, ठीक है। यानी कि न्यूज़ एक ऐसी कैटेगरी है गाइस जिसके ऊपर आप अगर हर 10 मिनट के बाद भी आप वीडियो अपलोड करोगे तब भी YouTube आगे उसको रिकमेंड करता है, लेकिन ऐसे ही वो रिकमेंड नहीं करता गाइस। आपके वीडियो में कुछ अच्छा होना भी चाहिए, यानी कि व्यूवर्स ने उसको वॉच भी करना चाहिए, उसका ऑडियंस रिटेंशन सही आना चाहिए, CTR सही आना चाहिए उसका भी, ठीक है। ऐसे ही डायरेक्टली वो आगे रिकमेंड नहीं करेगा गाइस। आपकी वीडियो में कुछ तो अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी चाहिए आपको, ठीक है। उसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो अगले वाले यूज़र को काम में आए, यानी कि वो उस वीडियो को देखे, ठीक है। अगर उसका CTR सही है, ऑडियो रिटेंशन वगैरह सब कुछ सही है, उसका अगर थंबनेल सही है तो उसके ऊपर व्यूज़ गारंटेड आएंगे। तो गाइस ये न्यू चैनल के ऊपर हो गया, ठीक है। तो न्यू चैनल के बेसिस पे गाइस आप अगर हर 10 मिनट में एक घंटे में वीडियो डालोगे तो भी वो चलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन वही अगर बात करूँ गाइस हमारे जैसे चैनल की, यानी कि टेक्निकल चैनल की या फिर कॉमेडी चैनल की, तो ये कुछ ऐसी कैटेगरी है गाइस जैसे कि व्लॉगिंग वगैरह, तो इनमें गाइस आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन में 2 वीडियो अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर गाइस करोगे तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस रहते हैं आपकी वीडियो के वायरल होने के। इसलिए कभी भी अगर अपने चैनल के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा डेली वीडियो अपलोड करने हैं तो 1 से 2 ही करो, मैं तो कहूँगा गाइस 1 ही करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि इससे गाइस आपके वीडियो के अपलोड वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 2 करने से अच्छा 1 करो, ठीक है। और अगर आप अच्छे वीडियो कंटेंट वगैरह आपका सही है, अच्छा कंटेंट बनाते हो, अच्छे वीडियो बनाते हो, तो 2 भी कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करना है गाइस, क्योंकि 2 से ज़्यादा करोगे तो बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग हो जाता है और कई बार गाइस वीडियो को स्किप कर देते लोग बहुत ज़्यादा सर, सच कहो तो कम से कम गाइस आपको 1 वीडियो बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2, एक दिन में 2 वीडियो बना सकते हो। और वही गाइस अगर बात करूँ नए यूट्यूबर्स की, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स गाइस ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं और पहले वीक में उनके चैनल के ऊपर 20 से 30 वीडियो हो जाते, यानी कि दिन के 5-5, 10-10 वीडियो भी बना देते कभी कभी वो। तो इससे होता क्या गाइस, आपका जो चैनल है वो मिसलीड में ज़्यादा चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। और कभी कभी आपके पूरे वीडियो जो है फ्रीज हो जाते हैं, उसके ऊपर व्यूज़ ही नहीं आ पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 0-5, 10-15 ऐसे व्यूज़ आपको देखने को मिल जाएंगे, 1-8 चल भी जाता है, ऐसा नहीं कि पूरा ही हो गया। लेकिन इस सब की वजह से गाइस होता क्या, यूट्यूब आगे आपकी वीडियो को रिकमेंड नहीं करता। इसलिए गाइस आपको करना क्या है, आपको दिन में सिर्फ 1 वीडियो बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बना सकते हो। इससे होता क्या है गाइस, अब अगर आपने 1 वीडियो अपलोड कर दिया तो यूट्यूब कुछ लोगों को भेजेगा, यानी कि उसके इंप्रेशन किसी ना किसी बंदे के पास भेजेगा। सपोज 100 लोगों के पास पहले भेज दिया, तो उन 100 में से कितने लोग उसके ऊपर क्लिक करके उसको देखते हैं, यहाँ से आपका CTR काउंट होता है। और जितना ज़्यादा गाइस आपका CTR बढ़ेगा उतना ज़्यादा यूट्यूब उसको आगे और रिकमेंड करेगा। और सिर्फ CTR से काम नहीं बनता गाइस, आपका ऑडियंस रिटेंशन भी आना चाहिए, यानी कि कितने मिनट तक आपका वीडियो देखा गया उसको भी बहुत ज़्यादा मैटर आता है इधर, ठीक है, उसका भी बहुत ज़्यादा मैटर रहता है। यानी कि आपका CTR सही होना चाहिए, आपका जो ऑडियंस रिटेंशन है गाइज वो सही होना चाहिए, अट्रैक्शन आना चाहिए गाइज उस वीडियो में, कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि वीडियो पे वो जो अगले वाली व्यूवर्स है, पब्लिक है, वो उसे देखे, क्योंकि जब तक व्यूवर्स उसको देखेंगे नहीं, वीडियो को देखेंगे नहीं, यूट्यूब उसको आगे भेजेगा नहीं, ठीक है। इसलिए आपको वीडियो में कुछ इस तरह से अट्रैक्टिव वीडियो बनाना है, कुछ इस तरह से इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाना है गाइज, कि हर एक व्यूअर कम से कम आधा वीडियो तो आपका देखे ही देखे, ठीक है। इससे आपकी वीडियो के वायरल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके चैनल के ग्रो होने के चांसेस गाइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कुछ इस तरह से आपको काम करना है गाइज। और सबसे पहले तो आपको आपकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं गाइज, वीडियो अपलोड करते वक्त अपनी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते। आपको यूट्यूब की जब हम चैनल क्रिएट करते हैं उसी वक्त आपके चैनल की सेटिंग आपको कर देनी है, आपका चैनल किस कैटेगरी का है उसी वक्त आपको उसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, यानी कि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, हर वक्त आपको कैटेगरी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जब यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हो उसी वक्त आपको आपकी चैनल की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, और आपको कोई भी कैटेगरी गाइस मिक्स नहीं करनी, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। अगर आप कैटेगरी मिक्स करते हो
अलग अलग कंटेंट मिक्स करके अपने वीडियो पे चैनल पे डाल देते हो, तो इससे आपकी ग्रो नहीं होती गाइस, चैनल की ग्रोथ नहीं होती। इसलिए हमेशा एक कैटेगरी के ऊपर ही आपको कंटेंट बनाने, कोई भी कैटेगरी गाइस आपको मिक्स नहीं करनी, हमेशा इस बात को याद रखना। और जैसे गाइस मैंने बताया आपको, कितने वीडियो डालने के ऊपर बाद अपना चैनल जो है गाइस वो ग्रो होता है। तो इसकी कोई गाइस स्पेसिफिक ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है कि इतने डालो फिर ग्रो होगा, उतने डालो फिर ग्रो होगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। ठीक है, आप एक डालो, 10 डालो, 20 डालो, टोटल बोल रहा हूँ मैं, एक दिन में नहीं बोल रहा हूँ। तो कितने भी डालने के बाद गाइस हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकते हैं, 10 में भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है गाइस आपका कंटेंट किस तरह का है, ऑडियंस को आपका कंटेंट कितना पसंद आता है, इसके ऊपर आपके चैनल की ग्रोथ डिपेंड करती है। ठीक है, तो बस गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।